नमस्कार किसान भाई, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। किसान भाई, आशा करूँ आप सब ठीक होंगे। तो किसान भाई, मैं फिर से आज किशनगढ़ के अंदर आ गया हूँ उमा ट्रैक्टर एंड मोटर्स के ऊपर। आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि उमा एंड ट्रैक्टर एंड मोटर्स पर आगे वीडियो बनाई है, तो आपको आज के वीडियो में सभी कंपनी के ट्रैक्टर दिखाने वाला हूँ। इसमें मेसी का ले लो, फार्म ट्रैक ले लो, स्वराज ले लो, महिंद्रा का ले लो, ऑल कंपनी के ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है किसान भाई। और किसान भाई, यहाँ पर आपको फाइनेंस की सुविधा मिल जाएगी, पूरी सुविधा मिलने वाली है किसान भाई। और आप वीडियो एंड तक देखना, वीडियो एंड भाई लोन होगा या नहीं होगा, मॉडल कौन सा है, प्राइस क्या है, इंजन कितना परसेंट है, पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के सामने। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, तो यहाँ के असिस्टेंट हैं उनसे मिला देंगे, तो पूरी जानकारी देंगे। तो सर, आपका स्वागत है हमारी वीडियो। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम बता दीजिए। जी प्रकाश शर्मा। हाँ जी। और जो हमारी एजेंसी, इसका प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए आप। जी, हमारी जो एजेंसी है वो तोलामाल गाँव है, किशनगढ़ तहसील में आता है। किशनगढ़ शहर से 6 से 7 किलोमीटर अपन जयपुर हाईवे की तरफ जब जाते हैं ना, तब आता है। अगर कोई भी आदमी किशनगढ़ से जयपुर हाईवे की तरफ आएगा तो एक टोल टैक्स है, उससे जयपुर टोल टैक्स से पहले बड़गांव नाम से है, बड़गांव टोल टैक्स, उससे जस्ट 1 किलोमीटर पहले हमारी एजेंसी है। वहाँ पुराने ट्रैक्टर भी खड़े हैं। हमारी जो एजेंसी है वो नए ट्रैक्टरों की एजेंसी है, बेसिकली हम नए ट्रैक्टर का ही काम करते हैं। और ये ट्रैक्टर कस्टमर जो हमारे पास आते हैं ना, वो आजकल क्या है, सबके पास लगभग ट्रैक्टर है, तो वो एक्सचेंज करवाते हैं। जैसे मान लो किसी के पास 1997 मॉडल है, तो वो हमें ट्रैक्टर दे जाता है और नया ट्रैक्टर 2022 मॉडल ले जाता है। तो ये हमारे पास जो ट्रैक्टर आते हैं वो एक्सचेंज के जरिए आते हैं, ना तो किसी से फाइनेंस के हैं, ना कहीं हम खरीदते हैं। हमारे पास जो भी ट्रैक्टर आते हैं वो सिर्फ एक्सचेंज के जरिए आते हैं, वो सीधे कस्टमर से रनिंग ट्रैक्टर आता है, बिल्कुल A1 कंडीशन। हाँ जी, बिल्कुल रनिंग, मतलब एट ए टाइम चल रहा होता है वो खेत। अच्छा अच्छा। ये सर, हमारे किसान में आज कौन कौन से ट्रैक्टर दिखाने वाले हो आप? देखो, हमारे पास फार्म ट्रैक है, फोर्ड है, मेसी है, सोनालिका है, स्वराज के भी खड़े हैं कुछ। बाकी अधिकतर जो हमारे पास है ना, मतलब 80% ट्रैक्टर हमारे पास मेसी के ही मिलेंगे आप। अच्छा। क्योंकि मेसी का एक्सचेंज है हमारे पास ज़्यादा, और बाकी फार्म ट्रैक भी है कुछ कुछ, एक आध बोलेरो भी आई हुई है। हाँ जी। तो वो है, ये अधिकतर मेसी है। और जो हमारे किसान यहाँ आते हैं, तो अधिकतर बोलते रहते हैं लोन की क्या सुविधा रहेगी, लोन की क्या रहेगी? लोन की सुविधा के लिए हमारे पास यहाँ पे है ना 4 से 5 बैंक है, 3-4 फाइनेंस कंपनी है, जो उनकी अपनी उनके खुद की कंडीशन पे वो काम करते हैं। वो हमारे यहाँ पे सेटिंग देते हैं, सेवाएं देते हैं अपनी, और अपना अपना खुद का काम भी करते हैं, और हमारे हमें सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ताकि कस्टमर को क्या है, जैसे शोरूम पर ही सुविधा मिल जाए, उसको कहीं भी बैंक में नहीं जाना पड़े, कहीं उसको धक्के नहीं खाने पड़े, सीधा सारा काम यहीं उसका हम करके कंप्लीट देते थे। पेपर पूरे कंप्लीट मिलेंगे यहाँ पे? पेपर सब ट्रैक्टरों के पेपर आपको मिलेंगे, बिना पेपर के हमारे यहाँ पे एक नंबर काम है, जेन्युइन काम है सारा, किसी भी कस्टमर के साथ कोई धोखेबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसा ट्रैक्टर हमारे पास आएगा ना, हम उसी ही कंडीशन में उसका एक बोल्ट, मतलब आप ये मान लो आप बोल्ट भी उसके पाना में नहीं लगाते। अच्छा। हमारा ये करने पेपर है। अच्छे होने चाहिए पूरे, बिल्कुल एक नंबर काम है पूरा, एक नंबर, मतलब आप ये मान लो ईमानदारी की तो कोई वही नहीं है कि भाई उसमें कोई छूट है, यहाँ पे बिल्कुल भी छूट नहीं है, बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं। ठीक है सर, इस ट्रैक्टर के बारे में बताइए आप। देखो, ये ट्रैक्टर है मेसी का 35 गोल मॉडल, ये 2012 मॉडल है। हाँ जी। ये हमने एक्सचेंज किया है, ये लगभग 3,45,000 का है। हाँ जी। हमने इसकी प्राइस रखी है 3 लाख सेल के लिए। हाँ, 3,45,000 लोन इसमें। हाँ, लोन ये 12 मॉडल तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, 170-180 का लोन हो जाएगा इसमें। डेली किसान पे जो प्राइस है, फिक्स प्राइस नहीं है, अगर आप ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान रखा जाएगा। बिल्कुल, ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, ट्रैक्टर एक नंबर रनिंग ट्रैक्टर है। ठीक है सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बारे में बताइए सर, यानी राजस्थान की जो किसान, ये 10-35 है गोल ट्रैक्टर है हमारा, मेसी का ट्रैक्टर है। हाँ सर। ये है 2012 मॉडल। हाँ सर। 2,90,000 ये ट्रैक्टर बिक चुका है। देखो, हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेल हो गया, ये इसके बारे में जानना है क्या? फिर सेल हो गया ये। ठीक है सर, ये अभी आज हुआ है। अच्छा, ठीक है, इसके बारे में बताइए सर, गोल सेफ में। ये है 10-35, अधिकतर मैंने बोला था आपको मेसी के ट्रैक्टर। राजस्थान में जो किसान भाई है, अधिकतर मेसी ट्रैक्टर यूज करते हैं, मेसी ही यूज करते हैं खेती के लिए। मेसी 2022 मॉडल है, सॉरी 22 नहीं, 2010 मॉडल है। 2010 है। हाँ जी, 2010 मॉडल है। 2010 मॉडल है, 3 लाख के आसपास इसके लिए। 3 लाख। और नेगोशिएबल? नेगोशिएबल तो होगा 10-15,000 जो भी है। डेली किसान भाई, जो ट्रैक्टर है उसी जी वो वीडियो में दिखाया जा रहा है, वो ट्रैक्टर मिलने वाला है। बॉडी कलर साथ है, कोई रिप्रिंट नहीं है, टाइप लगभग 50% मिल जाएंगे इसमें, जो भी ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है। सर, इसके बारे में बताइए। ये भी बेसिक है, ये 2009 है। 2009 मॉडल। हाँ, 2,65,000। 2,65,000। और इंजन वाइज कोई इशू नहीं है, आपने बता दिया। इंजन वाइज मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जैसा कस्टमर, सारे ट्रैक्टर जो भी ट्रैक्टर हमारे पास है ना, वो रनिंग है, मतलब एट ए टाइम आप काम कर रहा होता है किसान इससे। लेकिन जैसे क्या होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे मान लो बारिश आई है, अब उसको जल्दी काम करना है, तो जैसे 50 बीघे में पुराना ट्रैक्टर जो काम करेगा वो नया तो ज्यादा करके देगा उसको, इस वजह से कस्टमर एक्सचेंज करा लेता है। अच्छा, कि भाई अभी ये 2009 मॉडल जो काम कर रहा है वो
उतना काम तो नहीं कर सकता नहीं जितना था। और अभी क्या नई टेक्नोलॉजी भी आई है, कुछ नई चीजें ऐड होती है ट्रैक्टर में, उस वजह से ट्रैक्टर एक्सचेंज हो जाता है, नया ट्रैक्टर ले जाता है। किसान भाई शौक भी रहता है नया ट्रैक्टर लेने का, नया ट्रैक्टर भी लेता है किसान, क्योंकि उसका काम और क्योंकि आजकल नई जनरेशन का जैसे पावर स्टीयरिंग आ गया, कुछ और नए ऑयल ब्रेक आ गए, तो उस वजह से भी एक्सचेंज होता है। ये है डेली किसान भाई। और कोई कितनी प्राइस है जी इसकी? प्राइस है आपकी 265,000। 265,000 2009 मॉडल है। 2009 RG 21 नंबरों में ट्रैक्टर है। RG 21 नंबर का। इसके बारे में बताइए फार्म ट्रैक। ये है फार्म ट्रैक 45 की। हाँ जी सर फार्म ट्रैक 45 है ये। हाँ जी। और ये मैं बताता हूँ आपको, ये 2011 का है। 2011 3 लाख रुपये प्राइस है। ये मदन जी से काटा हुआ ट्रैक्टर है, चंद्र विनोद के हैं, वो गांव है हमारे यहाँ पास में। हाँ जी 3 लाख का ट्रैक्टर है। 3 लाख का ट्रैक्टर है। और टायर जो कंडीशन है, जो कंडीशन में पड़ा है वही वैसे बिकेगा। जिस कंडीशन में ट्रैक्टर होगा उस कंडीशन में ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। कंडीशन में जाता है उसी गोडी अगला साथ है, कोई रिप्लेन नहीं है। और ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान रखा जाएगा, जो प्राइस फिक्स नहीं है किसान भाई यहाँ पे। सर इसके बारे में बताइए। ये है 2006 मॉडल। हाँ जी। ये 2,20,000। 2,20,000 और नेगोशिएबल हो जाएगा इसमें। नेगोशिएबल है 2,50,000 है, मैंने नेगोशिएबल वाली प्राइस बोली, इसमें नेगोशिएबल लिखा हुआ है 2,20 का लास्ट। देखिए किसान भाई बॉडी कलर साथ का है, कोई रिप्रिंट नहीं है, कोई रिप्रिंट नहीं है। और टायर भी लगभग 50 पैसे टायर मिल जाएंगे, 70-80 पैसे इंजन मिल जाएगा। ठीक है सर इसके बारे में बताइए। ये 10-35 का गोल है। हाँ जी सेल हो गया। सेल हो गया। एक मिनट बता दो मैं आपको। 1995 मॉडल है। हाँ जी। और ये है लगभग 2 लाख। 1,60,000 का होगा। 2 लाख। 2 लाख नेगोशिएबल होगा, कुछ वैसे ही हो जाएगा। ऑन टेबल जो होगा आपका मान सम्मान रखा जाएगा, होगा जो कर ही देंगे इसको। सर इसके बारे में बताइए। ये है 2012 मॉडल। हाँ जी 2012 मॉडल है, 3 लाख का ट्रैक्टर है। हाँ जी। लगभग 260 तक आपको मिल जाएगा। 260 तक। हाँ। और बॉडी अगला साथ का है। हाँ सब हमारे यहाँ तो जैसा आता है, देखो हम जैसे एक्सचेंज देते हैं वैसे ही है, वैसा ही कस्टमर चेक कर लेगा अपने भी पे भाई क्या है क्या नहीं। बाकी छेड़छाड़ तो नहीं ना इसमें? नहीं हमारे यहाँ आने के बाद कोई छेड़छाड़ नहीं है। अच्छा। आगे से कस्टमर जैसा हम जो एक्सचेंज करते हैं ना, तो उस एक्सचेंज में कर लेते हैं, उस पर रिपेंट होगा तो वो रिपेंट के हिसाब से उसको रेट मिली होगी। ठीक है। डेली बॉडी कलर साथ है, कोई रिपेंट नहीं है, टाइप लोग 50 पैसे मिलने वाले हैं इसके। सर इसके ये तो सेल हो गया। ये बिका हुआ है। ठीक है ट्रैक्टर दूसरा आइए। इसके बारे में बताइए। फार्म ट्रैक। ये फार्म ट्रैक 45 है। हाँ जी। ये भी इस पे ये नया है अभी है। नया है। रेट लिखी हुई है। इसके बारे में बताइए। ये सेल आउट ट्रैक्टर है, ये मैं बताता हूँ आपको। ये भी इसके बारे में बताइए सर। कितना है? ये नहीं है। इसके बारे में बताइए। इस पे महिंद्रा का 575 1997 मॉडल। हाँ जी सर। 1,40,000 का। 1,40,000 का। और 1,40,000 बॉडी कलर दे रही है साथ का। सब साथ के हैं। किसान भाई जिन ट्रैक्टर में जानकारी नहीं दे रहे हैं उनपे मॉडल प्राइस लिखी हुई नहीं है, वो नहीं आए हैं अभी आए हैं जस्ट ही, तो उनकी प्राइस फिक्स नहीं हुई है। किसान भाई इसके बारे में बताइए आप। ये 97 मॉडल है। 1997 मॉडल। 2,50,000। 2,50,000 डेली। किसान भाई टायर की कंडीशन की बात करें, लगभग 60% टायर मिलने वाले हैं आगे और पीछे के, इंजन में लगभग 50 पैसे मिल जाएगा। और कौन सा मॉडल बताया? 97। डिमांड क्या जी? तो 97 की रेट है इसकी 2,50,000। 2,50,000 इसमें नेगोशिएबल है, इस बात नहीं नेगोशिएबल है। तो किसान भाई ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान रखा जाएगा, जो भी होगा कोई प्राइस फिक्स प्राइस नहीं है किसान भाई यहाँ पे। ठीक है सर इसके बारे में बताइए। ये भी 1997 ही है, 10-35 का गोल है। हाँ जी। उसमें भी अभी प्राइस लिखा हुआ नहीं है क्योंकि अभी ये नहीं है, उसके नाम पत्र तो लिखते हैं लेकिन 1997 कोई 2 लाख की 2 से 2.5 लाख के बीच में का फाइनल नहीं हुआ। हाँ लगभग वही होगा। 2 से 2.5 लाख के 2,40-2,50 के आसपास होगा। तो डेली किसान बॉडी अगला साथ है, कोई रिप्रिंट नहीं इसमें भी? रिप्रिंट वो सेम ही आता है हमारे पास। इसके बारे में 1996 मॉडल है। 1996 मॉडल। हाँ महिंद्रा का ट्रैक्टर है, 575। हाँ जी। और ये 2 लाख। 2 लाख है। और नंबरों का नंबर कहाँ की इसके? नंबर इसके नंबर का एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि वो डायरी है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। RJ01 है। अजमेर नंबरों में। RJ01 है अजमेर नंबर। और तो डेली एग्जाम में ट्रैक्टर की कंडीशन देख लीजिए, टायर पीछे खत्म है लेकिन आगे बिल्कुल नए हैं, न्यू है बिल्कुल, फुल हो गए। और इंजन लगभग 50 पैसा मिल जाएगा। पीछे के भी बॉडी अगला खराब है, बाकी एक ठीक है। डेली एग्जाम में जो ट्रैक्टर में दिखा रहा हूँ जो इस हालत में उसी हालत में मिलेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं मिलेगी। जो वीडियो में जो ट्रैक्टर दिखा रहे हैं वो ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा किसान भाई। सर इसके बारे में बताइए। ये 2000 मॉडल है। 2000 मॉडल। डिमांड क्या रहेगा? 253 से 253 के बीच में 253 का ट्रैक्टर है, 220 तक दे देंगे आप। नेगोशिएबल करके बॉडी अगला साथ का है। हाँ साथ ही।
और टायर लगभग 50 पैसे मिल जाएंगे, टायर लगभग 30 पैसे हैं, आगे के थोड़े 40-41 पैसे हैं लगभग। डेली किसान मैंने ट्रैक्टर इतने दिखा दिए और उस साइड में वो ट्रैक्टर खड़े वो भी दिखाते हैं, चलो उस तरफ चलते हैं, फिर उधर आ जाइए आप। बिल्कुल इसके बारे में बताइए सर। ये है 2241 ट्रैक्टर है मेसी का। हाँ जी। 2017 मॉडल ट्रैक्टर है। हाँ जी। 4,50,000 इसकी रेट है। 4,50,000 17 मॉडल है। तो कंडीशन की बात करें तो बॉडी कलर 7 का है, टायर लगभग 80% है पीछे के, 80-90 पैसे हैं, और इंजन भी लगभग 80 पैसे होगा, 20-30 पैसे आगे के। हाँ जी। कोई कमी नहीं ट्रैक्टर में, एक नंबर ट्रैक्टर, बॉडी कलर 7 है। इंजन ऑन टेबल का आपका मान सम्मान रखा जाएगा किसान भाई, बिल्कुल रखा जाएगा। इसके बारे में बताइए। 2009 मॉडल। हाँ, 241 ये है। हाँ जी सर। 2,90,000 और मान 40,000 का डिस्काउंट होगा क्या? जो भी होगा जो आपका मान सम्मान रखा जाएगा। तो किसान भाई जो भी ये प्राइस बता रहे हैं नेगोशियबल प्राइस है, प्राइस कोई फिक्स नहीं है, जो भी ऑन टेबल का मान सम्मान रखा जाएगा। टायरों की बात करें इसके लगभग आगे पीछे 80% टायर मिल जाएंगे किसान भाई, और इंजन की बात, इंजन भी अच्छा मिल जाएगा इसका, तो 70% इंजन मिल जाएगा किसान, बिल्कुल रनिंग कंडीशन में ट्रैक्टर है, रनिंग रनिंग है, सारे रनिंग है। इसके बारे में बताइए। इसके बारे में बताइए। 2002 मॉडल है। 2002 मॉडल 241 है मेसी का। हाँ जी सर। डिमांड क्या है इसकी? डिमांड इसकी है लगभग 2,00,000 220 के आसपास है। 220। और तो डेली किसान भाई बॉडी कलर थोड़ा 7 का है, कोई रिप्रेंट नहीं है, 7 का ही है, पूरा कंपनी बढ़िया ट्रैक्टर मिल जाना है। ट्रैक्टर सभी एक्सचेंज के हैं, जिस हालत में ट्रैक्टर रहता है उस हालत में ट्रैक्टर मिलता है किसान भाई यहाँ पे। आप एक आराम से मिस्त्री को लाइए, इंजन को चेक कराइए, ट्रैक्टर को आराम से चलाइए, अगर आपको ट्रैक्टर पसंद होता है ट्रैक्टर खरीदिए। और जो प्राइस हम बता रहे हैं वो प्राइस फिक्स नहीं है, ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान रखा जाएगा। सर इसके बारे में बताइए। ये 45 ट्रैक्टर है। हाँ जी। ये भी नया आया है, अभी नया आया है, इस मॉडल पास नहीं है, 2013 मॉडल है ये। 2013 मॉडल। 4,30,000 इसकी प्राइस। 4,30,000 डेली किसान भाई। फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर है, दो कौन सा मॉडल है ये? है 2013। 2013 बॉडी कलर 7 का है। टायरों की बात करें तो लगभग 60% टायर मिल जाएंगे आगे पीछे के, इंजन मिलेगा लगभग 60 पैसा। अगले ट्रैक्टर दिखाते हैं। आ जाइए। इसके बारे में बताइए सर। सावराज है, इस पर अभी सेल हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है सर। इसके बारे में बताइए। ये है फार्म ट्रैक 45। हाँ सर। 2012 मॉडल। 4,50,000 है। हाँ जी। डिमांड, हाँ 2012 मॉडल होगा, एक नेगोशिएबल है प्राइस, हो जाएगा जो भी होगा, मानसमान रखा जाएगा किसान का। बॉडी कलर 7 का है, थोड़ी स्क्रैप पपड़िया रखी है, लेकिन ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, इंजन पूरा ओके है इसका। टायर लगभग इसका 60 पैसे टायर मिल जाएंगे इसमें, ज़्यादा ही मिलेंगे आपको, 80 पैसे हैं, 80 के लगभग पैसे टायर मिल जाएंगे, ठीक है सर। इसके बारे में बताइए। ये है 2006 मॉडल होगा ये मेरे हिसाब से, 6 है लगभग, 2006 मॉडल। 241 है। 241। डिमांड क्या है? डिमांड इस पर अभी अपडेट नहीं हुई है इसकी, अपडेट करी नहीं है, ठीक है सर। आप यहाँ 280 के होगी, 2,250 से 2,80 के बीच में इसकी प्राइस होगी, ठीक है सर। अगले ट्रैक्टर में बताइए। इस पे लिखा हुआ है, इस पे सब सारे पे लिखा रहता है हमारे, क्या ऐसा नहीं है। 2010 मॉडल है ये। हाँ जी। 3,40,000 का है। 3,40,000 नेगोशिएबल है करके, 3,35 नेगोशिएबल होगा, 3,35 हो जाएगा, 3,05,000 मिल जाएगा। और लोन होगा इस पे? हो जाएगा, 12 मॉडल है ना ये। हाँ हो जाएगा। हाँ 12,000 हो जाएगा, ठीक है सर। महिंद्रा के बारे में बताइए आप। ये 2000 महिंद्रा है, ये 15,000 का ट्रैक्टर है, मॉडल 12 मॉडल ऐसे 12 नहीं है, कंडीशन से लग ही रहा है, 12 या 13 मॉडल हो गए, 17 हो गई, 17 मॉडल लग गए। डिमांड क्या है इसकी? इसकी 4,15 है। 4,15। हाँ। डेली किसान भाई इसकी डिमांड 4,15 है। अगर आपको वीडियो के अंदर नंबर दे देंगे, यहाँ पे आइए, ट्रैक्टर को अच्छे देखिए। हमारे पास पुराने में भी है 2022 मॉडल। कौन से? ये हाँ, ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये 40 HP ट्रैक्टर है। अच्छा। 35 में 40 HP जो श्रेणी है ना उसमें आता है। अच्छा अच्छा। लगभग 5,80,000 का ट्रैक्टर है। 5,80,000। 22 में वो हमसे 245 ट्रैक्टर ले गया, इससे बड़ा ट्रैक्टर आता है 245। अच्छा अच्छा। तो वो ले गया, ये एक्सचेंज करा के। एक्सचेंज करा के। और डिमांड क्या? 5,80,000। लोन हो जाएगा इसमें? ये तो हो जाएगा, 22 मॉडल है। कंपनी में नया कितने का आता है? नया तो ये आता है लगभग 75-80 का, यानी कि लगभग 1,00,000 का फायदा होगा। ये अप्रैल में ही का ये ट्रैक्टर। डेली किसान भाई अगर आप यहाँ 2,000 ट्रैक्टर भी खरीदना चाह रहे हो तो यहाँ से खरीद सकते हो आप, मात्र आपको 5,80,000 के अंदर मिल जाएगा नया ट्रैक्टर, सीधा आपको 1,00,000 का फायदा होगा। कितने घंटे चलाओ बताइए? एक घंटे तो ये होगा,
5 से 100 घंटे वो चाबी लगा के देखना पड़ेगा। जो भी ट्रैक्टर आपको मिलने वाले हैं जिस कंडीशन में उस कंडीशन में मिलने वाला है। वीडियो में जो ट्रैक्टर दिखा रहे हैं वो ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। जो प्राइस है फिक्स प्राइस है, नेगोशिएबल प्राइस है, ऑन टेबल जो भी होगा आपका मान सम्मान रखा जाएगा। और किसान मैं माफी चाहता हूँ जिस ट्रैक्टर में प्राइस और मॉडल नहीं लिखी हुई है, क्यों नहीं आए हैं तो उस पर लिखी नहीं है, आगे पूरी जानकारी दी जाएगी। किसान आज की वीडियो में इतना ही सर, एक बार आपको एड्रेस बता दीजिए। हमारा एड्रेस है किशनगढ़ में, किशनगढ़ तहसील में हमारा हेड ऑफिस है और रूपनगढ़ रोड के अराई तहसील हमारे पास। अब हमारे पास बेसिकली के न्यू ट्रैक्टर की एजेंसी है। अब न्यू ट्रैक्टर का शोरूम है हमारे मेसी का, मेसी कंपनी के नए ट्रैक्टर की एजेंसी है हमारे पास। और हमारा जो मेन एड्रेस है वो है तोलामाल NH8 के पास में ही है। और आप किशनगढ़ से जब जयपुर जाते हो तो टोल टैक्स आता है, टोल टैक्स से जस्ट 1 किलोमीटर पहले आपको हमारा ट्रैक्टर खड़े हुए मिल जाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। डेली किसान पर एड्रेस पर हमने बता दिया है। इनके मोबाइल नंबर में वीडियो के अंदर दूंगा, इनसे बात करके ट्रैक्टर की अच्छे पूरी जानकारी कि आप ट्रैक्टर खरीद सकते हो। किसान भाई आज की वीडियो में इतना ही, अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे भी आपकी डिमांड के अनुसार मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो इतना ही, जय जवान जय किसान, धन्यवाद सर। ओके।